राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि संघ देश के साथ हमेशा खड़ा रहा है और आगे भी खड़ा रहेगा। उसी दौरान उन्होंने कहा कि देश की परिस्थितियां बदल रही हैं, जो देश भारत से अलग हुए हैं उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है और वो भारत से दोबारा जुड़ना चाहते हैं। अखंड भारत को लेकर उन्होंने दावा किया कि ये आज के युवाओं के बूढ़े होने से पहले दिख जाएगा। दरअसल आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर के कार्यक्रम के दौरान कहा, संघ की परंपरा रही है, देश और राष्ट्र ध्वज के सम्मान की बात होगी तो वहां हम आपको सबसे आगे लड़ने और जान देने के लिए मिलेंगे। वहीं कार्यक्रम में एक बच्चे के देश को अखंड भारत के रूप में कब तक देख लेंगे के सवाल पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा, मैं कब तक तो नहीं बता सकता, लेकिन आप करने जाएंगे तो बूढ़े होने से पहले दिख जाएगा। कब तक मैं नहीं बता सकता ना, वो ग्रह ज्योतिष वगैरह देखना पड़ेगा मुझे, उसका मैं जानवरों का डॉक्टर हूं, लेकिन ये बताता हूं कि आप अगर उसको करने जाएंगे तो आपके बूढ़े होने के पहले से आपको दिखेगा। जो भारत से अलग हुए उनको लगता है कि वो गलती हो गई, हमको फिर से भारत होना चाहिए, लेकिन वो मानते हैं कि भारत होना यानी नक्शे की रेखाएं पोछ डालना, ऐसा नहीं है। केवल उससे नहीं होगा, भारत होना यानी भारत के स्वभाव को स्वीकार करना। वो स्वभाव मंजूर नहीं था इसलिए भारत का विखंडन हुआ है। वो स्वभाव जब आ जाएगा तब कुछ बदलना नहीं पड़ेगा, सारा भारत एक हो जाएगा। इस दौरान मोहन भागवत ने यह भी कहा कि इन्हें भारत का स्वभाव स्वीकार नहीं था, इस कारण हिंदुस्तान का विखंडन हुआ। स्वभाव होने पर कुछ नहीं बदलना पड़ेगा, सब भारत एक हो जाएगा। अपने जीवन से सब पड़ोसी देशों को सिखाना होगा, हम ऐसा भी कर रहे हैं, मालदीव को हम पानी पहुंचाते हैं तो श्रीलंका को पैसे पहुंचाते हैं, नेपाल की मदद करते हैं, हम सबकी सहायता कर रहे हैं। इसके साथ ही मोहन भागवत ने कहा कि समाज में भेदभाव होने तक आरक्षण रहना चाहिए। उन्होंने कहा, सामाजिक व्यवस्थाओं में हमने अपने बंधुओं को पीछे छोड़ दिया, हमने उनकी देखभाल नहीं की और यह 2000 सालों तक चला। उनको अपने बराबरी में लाने तक उनको कुछ विशेष उपाय करने पड़ेंगे। घर में अगर हम सब लोग हैं, दूध कम आता है, सबको दूध नहीं मिलता, लेकिन जो बीमार है उसको मिलता है, तो ऐसा हम कहते नहीं कि उसको क्यों दे रहे हैं। परिवार में सब समान है, लेकिन जो बीमार है उसकी विशेष चिंता करनी पड़ती है, ऐसा वो आरक्षण लागू किया है। इसलिए जब तक वो भेदभाव है तब तक उसको चालू रहना चाहिए। संविधान सम्मत जितना आरक्षण है उसको हम संघ के लोग तो पूरा समर्थन देते हैं। वहीं मोहन भागवत के आरक्षण वाले बयान पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेता और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भी प्रतिक्रिया दी है। डिप्टी सीएम ने मोहन भागवत के बयान पर कहा, भागवत जी का अनुभव ठीक नहीं रहा, बिहार चुनाव से पहले भागवत जी का बयान आया था, उनका अनुभव ठीक नहीं रहा, हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कहीं संविधान में फेरबदल ना कर दिया जाए, ये लोग कब क्या करेंगे पता नहीं, सरकार को सत्र का एजेंडा बताना चाहिए। इसके साथ ही आरजेडी के सांसद मनोज कुमार झा ने मोहन भागवत के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जातिगत जनगणना पर आपकी चुप्पी क्यों है, सिर्फ बात करने से बात नहीं बनेगी, बल्कि सरकार को बोले कि जाति जनगणना कराए, सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए ना बोले। सरकार आपके लिए मुखौटा है तो उस मुखौटे पर अगर गौर करना है तो उसको बताना होगा, जातिगत जनगणना आपकी चुप्पी क्यों। मोहन भागवत जी, सीवर में उतरने वालों कि जाति क्या है आप नहीं जानते, ऐसा क्यों हुआ, इतने वर्षों में भी ये परिस्थितियां नहीं बदली, तो सिर्फ बात करने से बात नहीं बनेगी, इसके दायरे में सोचिए, व्यवस्थाएं दुरुस्त करिए, जातिगत जनगणना के लिए सरकार को कहिए फौरी हामी भरे और उत्पीड़न की सारी छवियां, भेदभाव की सारी छवियां खत्म की जाए, इसके प्रयास करिए, अन्यथा ये बयान मैं मानूंगा कि सिर्फ राजनीतिक दबाव में एक दो दिन के हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए। बता दें कि केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है, जिसे लेकर अब राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है और ऐसे में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का अखंड भारत और आरक्षण पर बोलना उन्हें रास नहीं आ रहा है।